हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रोकली पास्ता बनाने जा रहे हैं। पास्ता आप बहुत से तरीकों से बना सकते हैं। आज हमने ब्रोकली को यूज़ करके एक सॉस बनाई है और इस सॉस के साथ ब्रोकली को सॉटे किया है। बहुत से लोग हैं जिसे ब्रोकली पसंद नहीं आती, बट आई थिंक ये पास्ता इतना अच्छा बनता है, इसमें ब्रोकली का डायरेक्ट टेस्ट बिल्कुल नहीं आता और ये सभी को पसंद आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इकट्ठा हैं, जो कि मेनली रहेगा ब्रोकली, सम चीज़ एंड पास्ता। सबसे पहले हमें अराउंड 4 कप ऑफ वाटर लेना है और बॉईल करना है। हम पहले अपनी ब्रोकली फ्लोरेट्स को, जो कि हमने अराउंड 1 कप लिए हैं, बॉईल कर लेंगे। ब्रोकली फ्लोरेट्स को बॉईल होने के लिए अराउंड 5 to 8 मिनट्स लगते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी ब्रोकली जो है पक चुकी है, अराउंड 80 to 90% पक चुकी है, तो आप इसे निकाल के अलग रख लीजिए। अब हम इन पके हुए बॉइल्ड ब्रोकली फ्लोरेट्स को यूज़ करके एक सॉस बनाएंगे। तो आप एक ब्लेंडर ले लीजिए और अपने ब्रोकली फ्लोरेट्स को इसमें डाल लीजिए। साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ नमक ऐड किया है एंड अराउंड 25 ग्राम ऑफ मोज़ेला चीज़। मैंने यहाँ पे पूरी स्टिक डाल दी है। 5 to 6 गार्लिक क्लोव्स। अगर आपको गार्लिक की मात्रा ज़्यादा रखनी है तो आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं। एंड स्वाद अनुसार ब्लैक पेपर। मैं यहाँ पर फ्रेशली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप ऑफ मिल्क। अगर आप इसे वीगन बनाना चाहते हैं तो आप चीज़ एंड मिल्क वीगन यूज़ कर लीजिए। अब हम इसे ब्लेंड करके लेकर आते हैं। तो देखिए, हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम इस सॉस को यूज़ करके पास्ता रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे अराउंड 5 कप ऑफ वाटर लिया है, जिसमें मैं अराउंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ। जैसे ही पानी उबलने लगता है, आप इसमें पास्ता ऐड कर दीजिए, अराउंड 2 कप। आप कोई भी तरह का पास्ता ले सकते हैं एंड पैकेट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसे बॉयल कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, माय पास्ता इज़ ऑलरेडी बॉयल्ड हियर। आई विल कीप दिस असाइड एंड आई विल टेक अ वॉक और अ कढ़ाई एट 20 ग्राम ऑफ बटर। नाउ आई एम यूजिंग सम स्पिनच। मैं यहाँ पे थोड़ी सी पालक यूज़ कर रही हूँ। अराउंड 1 कप ऑफ पालक मैंने इसमें ऐड कर दी है। मेरे पास बेबी स्पिनच थी तो मैंने बेबी स्पिनच ऐड करी है। आप नॉर्मल स्पिनच भी लेके उसे थोड़ा सा छोटा काट कर इसमें ऐड कर दीजिए। साथ ही यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। पास्ता में भी हमने नमक डाला है तो आप इसमें थोड़ा ही नमक डालिए। फ्रेश ग्राउंडेड ब्लैक पेपर, चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर एंड अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ ओनियन पाउडर। सभी मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट सॉटे कर लीजिए एंड इसमें अपना कुक्ड पास्ता ऐड कर दीजिए। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू ऐड आर ब्रोकली सॉस। तो हमने जो ब्रोकली की एक सॉस बना के रखी थी वो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो स्पिनच की जगह कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 या 3 तरह की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। ये ब्रोकली सॉस बहुत ही पौष्टिक बनती है और जो बच्चे ब्रोकली नहीं खाते या जो लोग ब्रोकली नहीं खाते उन्हें भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम अपनी वेजीज, ब्रोकली सॉस एंड पास्ता को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसे मिला लीजिए, 2 से 3 मिनट कुक होने दीजिए ताकि सभी मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू ऐड सम क्रीम एंड मिक्स टुगेदर वंस अगेन।
this pasta is super healthy. And if you want to add some more heat, you can add some more chili peppers or black pepper. So I'm adding some chili peppers here. तो हमारा अब ये पास्ता तैयार हो चुका है और हम इसे सर्व करना स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन एन्जॉय दिस पास्ता इन एनी टाइम ऑफ द डे. दिस पास्ता इज सुपर हेल्दी एंड आई एम श्योर दैट ऑल द किड्स वुड लव इट. सो फ्रेंड्स, डू गिव इट ट्राई टू दिस रेसिपी एंड इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू.